हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा ब्रेड की रेसिपी, जो कि हेल्दी भी है और इजीली से आप अपने घर पे बना भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म दूध ले लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच चीनी के डाले हैं, वो आपकी मर्जी है, आप पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। और साथ में मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच ईस्ट का डाल दिया है। देन उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ी देर वेट करने के बाद इस पर बबल्स आ चुके हैं। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे 2 कटोरी आटे की डाल दी है, मिक्स कर दी है अच्छे से। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला था और 1 वेजिटेबल ऑयल, थोड़ा सा लाइक 1 टेबलस्पून डाल दिया था। अब हमने इस सबको अच्छे से मिक्स कर देना है आपस में और 1 डो रेडी करना है। सो आप मुझे देखिए कि मैं कैसे डो रेडी कर रही हूँ उसका। एक नॉर्मल जैसे हम एक चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए ये। अब फाइनली हमने इसको अच्छे से गूंथ लिया है और जैसे मैं इसको शेप दे रही हूँ अंदर की साइड करके, देन उसके बाद हमने एक बॉल लेना है, उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है, उसमें इसको हमने डाल देना है। एटलीस्ट 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देनी है हमने। और 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो ये साइज़ में डबल हो चुका है और यहाँ से पता लग रहा है कि हमारा जो आटा है वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, लाइक है ना। फिर इसके बाद हमने इसको फिर से गूंदना है, सेम प्रोसीजर हम फिर से करेंगे और सेम वैसे ही मैं इसको शेप करूँगी, लाइक जैसे ब्रेड होता है उसकी तरह हम इसको शेप देंगे। मेरे पास यहाँ पे जो बेकिंग ट्रे है वो एक थोड़ा सा अलग कंटेनर है, सो आप कोशिश करना कि आपको ब्रेड मोल्ड मिल जाए जिसमें आप अच्छे से लाइक उसको बेक कर सको। तो अब हमने इसको एक ब्रेड की शेप दे देनी है जैसे एक नॉर्मल ब्रेड होता है। सो मेरे पास थोड़ा बड़ा बर्तन है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ये बड़ी हो रही है ब्रेड साइज़ में। और इसके बाद भी हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब आप देख लो 15 मिनट के बाद ये सेट हो चुकी है। सो अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा दूध को हम स्प्रेड कर देंगे, इस पर अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इससे जो ब्रेड है हमारी ऊपर से लाइक क्रंची हो जाएगी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। और ऊपर से मैंने थोड़े से इसमें तिल डाल दिए हैं जो कि डेकोरेशन में अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लाइक कोई भी सेल्सियस में नहीं, लेकिन 50 मिनट्स के लिए इसको मैंने बेक करा था। आप बीच बीच में चेक कर सकते हो, लाइक 35 से 45 मिनट्स इसको लग जाते हैं बेक करने में। और यहाँ पे हमारी ब्रेड जो थी वो रेडी हो चुकी थी आफ्टर 40 मिनट्स। और आप देखिए हमारी यहाँ पे ब्रेड पूरी जो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे और एक अलग कंटेनर में रख लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे, इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। यह एज पर चॉइस है, अगर आप लगाना चाहो तो, वरना आप बटर भी लगा सकते हो। और यहाँ पे हम अपनी ब्रेड को दूसरे कंटेनर में रख देते हैं। और आप देखिए ये नीचे से भी कितना अच्छे से पक चुका है और ये अंदर से भी ऐसे ही सॉफ्ट बनी है। और बाहर से आप देखिए इसको कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन टच आ चुका है। देन अब हम इसको कट करेंगे और मैं आपको शो करती हूँ ये कितना अच्छे से पक चुका है अंदर से। और आप चाहो तो उसको घर पे आराम से सैंडविच बना सकते हो। बाहर से जो अनहेल्दी ब्रेड्स होती हैं आप उनको अवॉइड कीजिए और घर पे खुद बनाइए। और ये बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है घर पर बनाने का। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड बनी है हमारी। यहाँ पर हमने इसको टेस्ट किया और ये टेस्ट टेस्ट में भी पास हो चुकी थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन।